21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। दाएं हाथ ऊपर उठाइए, बाएं हाथ की हथेली दाएं कुंडली पर, हमारी पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों अंगूठे के नीचे वाले भाग पर स्थापित कर दीजिए। दाएं क्षेत्र बंद कर दीजिए और बाएं नाक से लेफ्ट से आप श्वास लें और छोड़ें। यानी चंद्रभेदन प्राणायाम। बाएं हाथ दाएं कुहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई, फिर बाएं क्षेत्र आपका बंद, दाएं नासिका आपकी खुली हुई। गहरी श्वास लें और छोड़ें। मुद्राएं बनाते हुए आपको बाएं नाक से गहरी श्वास लेना है चंद्र से और दाएं नाक से गहरी श्वास छोड़ना है सूर्य से। दाएं नाक से गहरी श्वास लेना है सूर्य से, राइट से दाएं क्षेत्र बंद करते हैं और बाएं नाक से गहरी श्वास को बाहर निकालते हैं चंद्र से। जब भी प्राणायाम का प्रयोग आप करें, कुछ सावधानियां हैं। जिस स्थान पर आप प्राणायाम करने जा रहे हैं वह स्थान स्वच्छ, हवादार, साफ, हरियाली दार होना चाहिए। आसपास खूब हरियाली होना चाहिए। जितने वृक्ष होंगे ऑक्सीजन आपको शुद्ध मिलेगी, साफ मिलेगी। नदी का किनारा, तालाब का किनारा, किसी बगीचे में, पर्वत की मालाओं के बीच में, या जो आपका घर है उसकी खिड़कियां खुली होना चाहिए। तेज धूप के बीच आप प्राणायाम ना करें, तेज हवा के बीच आप प्राणायाम ना करें, क्योंकि आपको श्वास में दिक्कत होगी, मन बार बार भटकेगा। और प्राणायाम करते करते जब आप ध्यान में उतरेंगे तो ध्यान में उतरने के लिए यह आसपास का जो वातावरण है ज्यादा मदद करता है। प्राणायाम करने के पूर्व तख्त में आपको बैठना चाहिए। तख्त मतलब काष्ठ का, लकड़ी का एक पटा होना चाहिए, तख्त होना चाहिए।
उस पर कंबल बिछा लें या आपका कारपेट बिछा लें। उस कारपेट पर आपको पद्म आसन यानी चौकड़ी मारकर आपको बैठना है पद्मासन या सिद्धासन या सुख आसन। ये तीन आसनों में ही प्राणायाम सिद्ध होता है। यानी पूरा प्राणायाम का बेनिफिट आपको चाहिए है, पूरा लाभ आपको प्राप्त करना है, तो तीन आसनों में ही आपको प्राणायाम ज्यादा लाभकारी है। पीठ सीधी, पेट अंदर, सीना बाहर निकला हुआ, और प्राणायाम की कुछ मुद्राएं कहलाती हैं, आकृतियां कहलाती हैं। उन आकृतियों के अनुरूप जब प्राणायाम का प्रयोग आप करते हैं तो वह प्राणायाम आपको कई हजार गुना लाभ प्रदान करता है। कैसे भी श्वास लेना, कैसे भी श्वास छोड़ देना प्राणायाम नहीं है। बगैर मुद्राओं के, बगैर बंध के, बगैर महाबंधों के प्राणायाम प्राणायाम नहीं है। जैसे गाड़ी कैसी भी चला लेना, जब आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो पहले तेज दबाकर फर्स्ट गियर लेते हैं, फिर सेकंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं। यदि आप सीधे थर्ड में जाते हैं तो गाड़ी झटके मार मार के बंद हो जाएगी, या चलेगी भी तो अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। वैसी प्राणायाम की तकनीक है कि पहले प्राणायाम कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मुद्राएं कौन सी होना चाहिए, बंद कौन से होना चाहिए, इन संपूर्ण बातों का तकनीकी ज्ञान यदि आपको होता है तो वह प्राणायाम आपके लिए 100% फायदेमंद है। एक सूत्र है, तस्मिन् श्वास प्रश्वासयो, श्वास को लेना और छोड़ना, तस्मिन् च श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास को लेना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक, गति स्पीड विच्छेद उसको विच्छेदित करना, श्वास प्रश्वास हो गति विच्छेद प्राणायाम, तब आपके अंदर प्राण की ऊर्जा प्राप्त होती है, तब आपके अंदर प्राणों का आयाम होता है। प्राण की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुंभक प्राणायाम बहुत लाभकारी है। हां, यदि आप रक्तचाप से पीड़ित हैं, आपका रक्तचाप बहुत ज्यादा बार बार बढ़ रहा है, उस अवस्था में कुंभक प्राणायाम आप एकदम ना करें। यदि हृदय में बहुत भारीपन है, हृदय रोग से पीड़ित हैं, उस अवस्था में एकदम कुंभक प्राणायाम आप ना करें। कुंभक का महत्व मैं समझाना चाहता हूं। संसार के जितने भी विकसित, जितने विकासशील देश हैं, शहर हैं, वे सभी नदी किनारे, तालाब किनारे, झरनों के किनारे बसे हुए हैं या समुद्र किनारे हैं। जिस शहर में, जिस शहर के आसपास नदी तालाब झरने नहीं हैं, वहां मानव सभ्यता विकास कर ही नहीं पाती है। तो मानव सभ्यता को विकसित करने के लिए, विकासशील बनाने के लिए जल का आसपास होना जरूरी है। इन्हें पानी का स्टोरेज भंडार, इसे कुंभक कहते हैं, कुंभ घड़ा। यदि शहर में पानी न सप्लाई हो पाए, यदि आपके गांव में, आपके शहर में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो त्राही त्राही मच जाएगी। यानी वह पानी का कुंभक आपको साल भर जीवन प्रदान करता है। उसी प्रकार मस्तिष्क में 24 घंटे जाने अनजाने तनाव पैदा होते रहते हैं, टेंशन होते रहते हैं, डिप्रेशन के प्रॉब्लम होते रहते हैं,
उस तनाव की त्राही त्राही में जब आप कुंभक प्राणायाम करते हैं, यानी श्वास को अंदर रोकते हैं, तो श्वास को अंदर रोकते साथ ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है और वह स्टोर्ड एनर्जी आपके मस्तिष्क के तमाम तनाव को दूर करती है। तो हम पहले करते हैं बाई नाक से किया जाने वाला भस्त्रिका प्राणायाम, और उस भस्त्रिका प्राणायाम कुंभक करेंगे हम। वही आकृति, बाएं हाथ दाएं कोहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई, दाएं छिद्र आपके बंद, और बाई नाक से लोहार के धोंकने के समान आपको केवल श्वास लेना है, छोड़ना है। ये क्रिया लगातार आपको करना है। 30 सेकेंड आप बाई नाक से लोहार के धोंकने के समान आप गहरी श्वास लें, छोड़ें। यह है चंद्रभस्त्रिका। फिर आपने गहरी श्वास को अंदर लेकर श्वास को अंदर रोक लिया, और जैसे ही श्वास आप अंदर रोकते हैं उसी समय आपके मस्तिष्क में एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। फिर बाएं छिद्र आपका बंद, दाई नासिका आपकी खुली हुई। अब यही क्रिया आपको दाई नाक से करना है। और दाई नाक से आपने गहरी श्वास ली, आपने श्वास को अंदर रोका और बाएं नाक से श्वास को आपने बाहर निकाल दिया। बाएं हाथ दाई कोहनी के नीचे मुद्रा बनी हुई, फिर बाएं छिद्र आपका बंद, दाई नासिका आपकी खुली हुई। लोहार के धोंकने के समान आपको केवल श्वास लेना है, छोड़ना है। यह क्रिया लगातार आपको करना है। आपने गहरी श्वास को अंदर लेकर श्वास को अंदर रोक लिया, और जैसे ही श्वास आप अंदर रोकते हैं उसी समय आपके मस्तिष्क में एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। दाएं छिद्र आपके बंद, और बाईं नाक से लोहार के धोंकने के समान आपको केवल श्वास लेना है, छोड़ना है। लगातार आपको करना है। 30 सेकेंड आप बाई नाक से लोहार के धोंकने के समान आप गहरी श्वास में छोड़ें। यह है चंद्रभस्त्रिका। फिर आपने गहरी श्वास को अंदर लेकर श्वास को अंदर रोक लिया, जब भी आप सूर्य भस्त्रिका और चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं कुंभक करना ना भूलें। अंतः कुंभक श्वास को अंदर रोकना, अभ्यंतर कुंभक श्वास को बाहर रोकना, भयंतर कुंभक।
जब दोनों अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक आप लगाते हैं तब आपके अंदर प्राणों की स्थिरता आती है, तब प्राण आपके स्थिर होते हैं। यानी कुंभक आपके लिए अमृत है, स्टोरेज है आपका, और वह स्टोरेज आपको 24 घंटे आपके तनाव को दूर करता है। भस्त्रिका, दाई नाक से सूर्य से श्वास को लेना, बाई नाक से श्वास को फेंकना तेजी से, बाई नाक से श्वास को लेना और दाई नाक से श्वास को छोड़ना। आप थोड़ा क्रिया देख रहे हैं, जब इस प्राणायाम को आप करते हैं तो श्वास को अंदर लेकर अंतः कुंभक करें, यानी श्वास को अंदर रोकना है। जब आप बाईं नाक से श्वास को बाहर निकालें, चंद्रो, श्वास को बाहर रोकना है, भयंतर कुंभक। दाई नाक से सूर्य से श्वास को लेना, बाई नाक से श्वास को फेंकना तेजी से, बाई नाक से श्वास को लेना और दाई नाक से श्वास को छोड़ना। इस प्राणायाम में विशेषता है कि जब आप लगातार इस प्राणायाम को करते हैं तो पेट अंदर बाहर आना चाहिए। जब जब पेट आपका अंदर बाहर होता है तो आपकी डायफ्राम मसल्स की एक्सरसाइजेस बहुत ही शानदार होती हैं, हार्ट, स्टमक, यानी पेट को शांत करने के लिए, पेट के विकार को दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम लाभकारी है। शुरुआत में आपको हल्के चक्कर आते हैं, जब इस प्राणायाम की शुरुआत आप करेंगे उस दौरान आपके दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, चक्कर आएंगे, आप प्राणायाम बंद करिए, शांत होकर बैठ जाइए। रक्तचाप आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उस अवस्था में यह प्राणायाम प्रतिबंधित माना गया है। यदि वर्तमान में आपका बीपी हाई है उस दौरान यह प्राणायाम ना करें। यदि एसिडिटी प्रॉब्लम हो रहा है, गले में जलन हो रही है, उस अवस्था में भी भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिबंधित है। यदि लीवर आपका लार्ज हो रहा है, यदि लगता है कि लीवर आपका बढ़ा हुआ है, तिल्ली बढ़ी हुई है, स्प्लीन आपकी बढ़ी हुई है, तो उस अवस्था में भी यह प्राणायाम आपके लिए प्रतिबंधित माना गया है, नहीं करना चाहिए। जब तक लीवर साइज में नहीं आता है इस प्राणायाम का प्रयोग आप ना करें, अपने डॉक्टर से चर्चा कर लीजिए।